आप देख रहे हैं अल्बर्ट न्यूज, लिए चलेंगे दादू की जानिब, जहां पे हमारे रिपोर्टर रियाज चांडियो के मुताबिक दादू में स्ट्रीट चिल्ड्रन फाउंडेशन की जानिब से जोही काछू के सैलाब मुतासरीन के लिए एक दिन के फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद हुआ और खाने पीने की चीजें तकसीम की गईं। इस मौके पे फलाही तंजीम के चेयरमैन जवाद अमीन ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि खिदमत खल्क हम सब पे फर्ज है। मजीद कहा कि हमें इस मुश्किल की घड़ी में काछू के सैलाब मुतासरीन भाइयों के साथ हैं। हमने आज 25 घरों तक इमदाद पहुंचाई है और भी देने का इरादा किया है। रुक करेंगे भावलपुर का। डीएसपी सिटी शफकत नदीम अता का अंदरूनी शहर का दौरा। डीएसपी सिटी ने अंदरूनी शहर में मातमी जुलूसों के रूट्स पर तैनात सिक्योरिटी का जायजा लिया। एसएचओ थाना कोतवाली राव सलीम और मकामी ताजिर बिरादरी भी इनके हमरा मौजूद थी। डीएसपी सिटी ने सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की हदायत जारी की। डीएसपी सिटी ने जुलूस के रूट्स पर तैनात एहलकारों को अमली तौर पर चेकिंग का तरीकेकार और जुलूस के आगे पीछे रस्सी पकड़ने का तरीका भी बताया। नाजीन थाना न्यू मुल्तान के इलाके में शहरी के घर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने 11 अगस्त को एम ए जिना रोड पर वाकिया ग्लेज हाउस में मोहम्मद इशवाक के घर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात की। मुलजमान ने वारदात में जेवरात और नकदी लूटकर फरार हुए। एसएचओ थाना न्यू मुल्तान सब इंस्पेक्टर फैजान अली रजा ने टीम के हमरा कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजमान में फरहान मोहसिन रजा और नजर मोहम्मद शामिल हैं। रहीम यार खान का जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मोटरवे M5 पर AC कोच को हादसा। जीतनाजिन बस के टायर फटने से आग लग गई। मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाई। हादसे में सवारियों का सामान और बस मुकम्मल तौर पर जल गया। रेस्क्यू 1122 ने इमदादी काम जारी रखते हुए आग पर काबू पा लिया। बस कराची से मानसहरा जा रही थी। बस में 26 मुसाफिर सवार थे। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे।